हम लोग स्टार्ट कर चुके थे कि मेनी टाइम्स वी हैव पीपल आर एसेट्स बट पीपल आर नॉट एसेट्स, ओनली गुड पीपल आर एसेट्स, रेस्ट आर आवर लायबिलिटी। एक किसान की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक बहुत मेहनती किसान था, वो बहुत मेहनत से अपने खेत की रक्षा करता था, बीज बोता था, फसल उगाता था, उसको काटता था और पैसे कमाता था। बड़ा ईमानदार था अपने काम के अंदर। लेकिन अब उसका खेत बहुत बड़ा हो गया, पैसे उसने कमा लिए, तो आसपास का भी जमीन उसने खरीद लिया। अब उसको एक सपोर्ट सिस्टम का जरूरत पड़ा। अब उसको लगा मेरे से अकेले से नहीं होगा, तो मुझे कुछ ना कोई कोई ना कोई आदमी चाहिए जो मेरी सपोर्ट कर सकता हो। तो उसने इंटरव्यू लिया दो चार लोगों का कि यार क्या तुम मेरे खेत में मेरी सपोर्ट करोगे, ये तुम्हारा सैलरी है। तो चार पांच लोगों से उसने सवाल पूछे कि तुमको एग्रीकल्चर के बारे में क्या नॉलेज है और तुम कैसे सपोर्ट कर सकते हो। तो सब लोगों ने उसको अलग अलग जवाब दिए, उसको किसी का जवाब समझ नहीं आया, तो उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। एक लड़के से उसने सवाल पूछा कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, तो उस लड़के ने बड़ा अटपटा जवाब दिया, समझ उसको नहीं आया, लेकिन उसने उस जवाब के कारण उसको रख लिया। उसने बोला तुम क्या करोगे, वो बोला आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, जब बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। उसको समझ नहीं आया, लेकिन उसने इसके अटपटे जवाब के कारण उसको रख लिया। इसका पता नहीं क्या मतलब है, देखते हैं। अब वो दोनों खेत की रक्षा करने लगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास फसल होती थी, काटते थे। एक बार रात को जो मालिक था उस खेतों का, उसने दौड़ते दौड़ते ढूंढा उस आदमी को जिसने उसको नौकरी पर रखा था, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज को, और दौड़ते दौड़ते गया क्योंकि बहुत तूफान आ गया। तो उसको लगा यार ये फसल मेरी खराब हो जाएगी और जितने भी जानवर बंधे हुए हैं ये सब इधर उधर भाग जाएंगे। तो फटाफट देखो सो रहा है पागल आदमी, इतना तूफान में तो कम से कम इसको फसल की रक्षा करनी पड़ेगी, ऊपर कुछ डाले, कुछ करे, जानवरों को पकड़े, ये देखे। और वो अंदर गया तो आराम से मस्त सो रहा था। उसने बोला उठ, तेरे को पता नहीं कि तेरी नौकरी क्या है। उसने बोला मैंने तो कहा ही था आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। उसने कहा ये पागल बेवकूफ आदमी है, कहां मेरे पल्ले पड़ गया है, मैं खुद ही करता हूं, तो जब तक जागेगा तब तक काम हो जाएगा। वो फटाफट जाके देखा, उसने जितने उसके पशु थे वो फर्स्ट क्लास तरीके से उसने बांध के साइड पे ऑलरेडी रखे हुए थे, जितनी फसल थी उसकी बढ़िया तरीके से उसने चौकीदारी कर रखी थी कि कोई तकलीफ नहीं है। उसने बोला जाके सो जाओ, मैंने काम ऑलरेडी पहले से कर रखा है, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। उसको समझ में आया इसका मतलब बड़ा सिंपल ये था कि जब परेशानी आएगी तब काम करने की जरूरत नहीं है, काम हमेशा उससे पहले करके रख लेना चाहिए। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है ना यार, अकाउंटेबिलिटी बड़ी सिंपल है कि लोग काम तब चालू करते हैं जब तूफान आ जाता है ना। वो कहते हैं टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन, आदमी को छाता हमेशा बारिश आने से पहले ले लेना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि मैंने नया नया मर्सिडीज लिया, 2012 के अंदर मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो जैसे ही मैंने पंचर लगाने के लिए मर्सिडीज का पीछे टूल किट खोला तो मैंने देखा वहां पर व्हाइट ग्लव्स पड़े थे दो। मैंने बहुत सारी गाड़ियां चलाई लेकिन मैंने पहली बार किसी गाड़ी में व्हाइट ग्लव्स देखे, यानी मर्सिडीज को ध्यान था कि अगर इसकी गाड़ी पंचर हो गई और इसने पंचर लगाने की कोशिश की तो इसके हाथ गंदे ना हो। ग्लव्स 50 रुपए के आते हैं, कोई भी गाड़ी रख सकती है लेकिन रखती नहीं है। यही फर्क है मर्सिडीज में और बाकी सारी कंपनी में, 50 रुपए के ग्लव्स आते हैं, किसी गाड़ी में नहीं आते, मर्सिडीज में आते हैं। मुझे पता नहीं बाकी और किसी ब्रांडेड कार में आते हैं कि नहीं आते, है ना। इट ऑलरेडी हार्डली कॉस्ट 30 रुपीज 40 रुपीज फॉर अ पेयर ऑफ ग्लव्स, लेकिन देखिए वो कहां तक सोच रहा है आदमी, है ना। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी।